बड़ी गुड मॉर्निंग बोलता है मैडम। आह मिस्टर लालवानी आइए, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे, बैठिए प्लीज सिट। आने था चौथा बड़ी सॉरी मैडम, वो क्या है ना, आजकल शहर में इतना ट्रैफिक जाम लगा रहता है, इतना ट्रैफिक जाम लगा रहता है कि इंसान कितना भी जल्दी घर से निकले आखिर लेट हो ही जाता है। तभी आपका जो पिछला ऐड किया था ना, उसका चेक भी लेट आया था, वो भी ट्रैफिक में अटक गया था। बड़ी पिछले टाइम का आइटम भी तो लेट हो गया था नी। अच्छा अच्छा, तो आप बदला ले रहे हैं। मिस्टर लालवानी, हम प्रोडक्ट के बारे में बात करें। मैडम अभी मेरा मूड खराब है। बड़ी लालवानी साहब, दिल तो चौथा वठो, शाम जे तुझो मूड ठाए छड़ना। सिठो मैडम, अभी मेरा मूड एकदम ठीक हो गया। आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे थे, क्या खासियत है इस प्रोडक्ट की? हमारा एक नया प्रोडक्ट है, इसका नाम है सपट चिपकन। ये लगाने से 2 सेकंड में सारी टूटी हुई चीजें अपने आप चिपक जाती है। ओके, इसका मतलब ये कुछ भी चिपका देता है? हाँ हाँ मैडम, मैं तो बोलता हूँ मैडम, ये इंसानों को भी चिपका देता है। No, really? Okay, that's little hard to believe. कोई बात नहीं, कभी ये भी आजमा लेंगे। मिसेस आशन, आपने जो टैगलाइन बनवाया था अभी, वो उन्हें सुना दीजिए। Let him hear it. Yeah, sure ma'am, sure. रिश्ते टूट जाएं। वाह। वादे टूट जाएंगे। क्या बात है। रिश्ते टूट जाएंगे, वादे टूट जाएंगे, सबको जोड़ देता है सपट चिपकन, सपट चिपकन। ॾाढो सुठो साईं, ॾाढो सुठो, मजो अची वियो, मजो अची वियो। आपने पकड़ा है? Leave it, Mr. Sergeant, मैंने कहाँ पकड़ा है आपका हाथ? मैंने लालवानी साहब एचाती हो चिपकी वे हो हाने मजो ही मजो हाँ। क्या ये ठीक नहीं हुआ ना मैडम? क्या आपको ये कुदरत का करिश्मा लग रहा है मिस्टर सर? मैडम मेरी लाइफ में कोई कुदरत का करिश्मा नहीं है, कश्मीरा है कुदरत का। बट ऑब्वियसली ये जो हुआ ये बाय मिस्टेक हुआ है ना? नो मिस्टर सर्जन, मैंने एक तीर से 2 निशाने लगाए हैं, एक ऑब्वियसली मुझे मिस्टर लालवानी का प्रोडक्ट टेस्ट करना था, और दूसरा मैडम मैं आपसे चिपकना चाहती थी मिस्टर सर्जन। लेकिन क्यों क्यों मैडम? क्यों? Do you have a problem with that, Mr. Sergeant? नहीं, मतलब अभी तो ठीक है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स मेरे घर तक पहुंचेंगे। आपको मजा नहीं आ रहा? मजा तो आ रहा है। Elaborate. कितना मजा आ रहा है? Good question, मैडम. Actually, ये एहसास ना मुझे पहली बार तब हुआ था जब मैं स्कूल में था, तो स्कूल बंक करके एक लड़की को लेके मैं फिल्म देखने गया था। वहाँ मैंने उसका हाथ पकड़ लिया था। फिर फिल्म नहीं देख पाया। क्यों? What happened? हाथ पकड़ा तो बॉडी में करंट सा दौड़ गया एकदम, तो आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। Stop it, Mr. Sergeant. How disgusting. Stay in the limits.
अरे यार छेदी, वो लड़की ना थी लंबे वाली, सुंदर सी, उसका इंटरव्यू फाइनल हुआ कि नहीं हुआ? यार छेदी, तन्ने भी वही दिख रहा है जो मन्ने दिख रहा है। जी सर, लेकिन मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा है। तो यार चश्मा लगा के देखा ना? हाँ। जल्दी से लगा। मिस्टर साजन, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी का हाथ पकड़ने की? सर सर, ये भी तो हो सकता है कि आपकी बेटी ने मेरा हाथ पकड़ा हो। What? Impossible, impossible! मेरी बेटी कितने भी हाथ से निकल गई हो, लेकिन ऐसे वाहियात आदमी का हाथ कभी नहीं पकड़ सकती। बाबा, relax, okay? Just relax. Relax? ले, मैं तुझे तेरे केबिन में ढूंढ रही थी, तू यहाँ पे क्या कर रही है? अरे दीदी, आप यहाँ क्यों आ गई? ना तू कौन होता मुझसे पूछने वाला कि मैं यहाँ पे क्यों आ गई? ये मेरे प्यो का दफ्तर है, मैं तुझसे उल्टा ये सवाल पूछ सकती हूँ, ओके? और वैसे बाईदी, मेरा मुंह मत खुलवाना। कल रात को सोते हुए जो तूने किया है ना, अगर मैं तेरी बेटी के सामने बता दूंगी, तेरा सारा पोल खुल जाएगा, बेशर्म कहीं का। बुआ जी, आप ना खुल कर बता दो, हमने बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। ओ तो चुप कर। बुआ जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अरे मैं तेरे को ना ये साड़ी दिखाने आई हूँ। आ रहे हैं ना शाम को लड़के वाले, उनके सामने तूने ये साड़ी पहननी है। बुआ जी, आप उन्हें प्लीज मना कर दीजिए। अरे कैसे मना कर सकती हूँ, मैंने उनको जबान दी है, मेरी जबान की कोई कीमत है? बेवकूफ लड़की। बुआ जी, हियर मी आउट। एक्चुअली अभी अभी यहाँ एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है। एक चिपकन ग्लू का प्रेजेंटेशन देते वक्त मिस्टर साजन का हाथ मेरे हाथों से चिपक गया है। अब पता नहीं ये हाथ कब छूटेगा, और अगर अंटिल अंकल के बेटे ने मुझे इसे देख लिया तो रिश्ता तो जुड़ने से रहा। सो इट्स बेटर। मैंने तेरे को कहा था ना, किस बंदर बूथी को दफ्तर से निकाल दे, ये बड़ा बेवकूफ है, मनहूस है, सारा काम खराब कर दिया ना। मैडम, आपने बुआ जी से झूठ क्यों बोला कि मैंने आपका हाथ पकड़ा है? अपनी जान बचाने के लिए मिस्टर साजन, शी वुड हैव किल्ड मी। एंड कम ऑन, एक चाटा ही तो है, आप इतना तो बर्दाश्त कर ही सकते हैं मेरे लिए। शी वोंट किल यू, बट आई कैन किल यू। नो 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 पापा, एक्चुअली इसमें मिस्टर साजन की कोई भी गलती नहीं, ये सब कुछ मैंने जानबूझकर किया है शादी की बात टालने के लिए। एंड इट हैपेंड। ओह, सुन लिया सर आपने? सुन लिया बाबू, तूने सुन लिया ना अच्छी तरह से? घर जाके यही सच्चाई बताइए, जो सच्चाई है सच्चा, अपनी बकवास मत करियो कोई फालतू की उल्टी सीधी। जीजा, मैं कुछ नहीं बताऊं, तू खुद समझा दियो जीजी और दादी ने। अब बड़ी ये बताओ कि ये ग्लू ऐसा कौन सा ग्लू है जिससे लोग एक दूसरे से चिपक जाते हैं? सफर चिपकन पापा, मिस्टर लालवानी का नया प्रोडक्ट है। ओ, आई सी। और गहरी सांस लीजिए, गहरी सांस, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रीदिंग, ओके? मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। आर यू फीलिंग बेटर? हाँ, अब थोड़ा बेटर लग रहा है मैडम, लेकिन क्या फायदा, कब तक मैडम? थोड़ी देर बाद फिर वैसे ही फील होगा। वी विल फाइंड अ वे आउट मिस्टर साजन, हम कोई तरीका ढूंढ निकालेंगे। संजू को फोन लगा लेती हूँ। ये संजू भी ना फोन उठाने का नाम भी नहीं ले रहे। मैं क्या कहती हूँ कश्मीरा, तेरे साथ मैं भी चलूँ क्या? मम्मी, हम लोग घूमने नहीं जा रहे, हम मिनी हनीमून पे जा रहे।
वो क्या है ना, तेरा हनीमून देख के मुझे भी अपने पहले हनीमून की याद आ गई। पहले हनीमून की? और कितने हनीमून मना चुके हैं आप? ठीक से तो याद नहीं है, लेकिन काफी सारे हैं। मम्मी आप भी ना। अरे क्या मैं भी ना? हनीमून मनाना कोई गलत बात है क्या? नहीं, गलत बात तो नहीं है, लेकिन मेरी जिंदगी में तो हनीमून का वैसे ही अकल पड़ा हुआ है। शादी के बाद गई थी और जैसे तैसे अब जा रही हूँ, और वैसे भी संजू इन सब चीजों में तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। अरे वो तो पराई औरतों के साथ हनीमून मनाता होगा। मम्मी प्लीज, हाँ मेरे संजू ऐसे बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं है तो फिर कैसा है? और टाइम पे आया क्यों नहीं अब तक? हाँ तो ट्रैफिक में फंसे होंगे ना वो। क्या? हाय कश्मीरा। हाय संजना। मैं और संजू मिनी हनीमून पे जा रहे हैं। ऐसा है डियर, ये सूटकेस खाली कर दो और मिनी हनीमून पे जाने का प्लान भी अपने दिमाग से खाली कर दो आप। लेकिन ये वहां से क्यों बोल रहा है? क्या हुआ संजू? संजना छुट्टी नहीं दे रही है क्या? नो नो, मैंने मिसेस साजन को छुट्टी तो दे दी, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन कश्मीरा, गलती से मेरे हाथ पर सपट चिपकन का सॉल्यूशन लग गया। सपट चिपकन टूटी हुई चीजों को जोड़ता है। ग्रेट प्रोडक्ट इफ यू आस्क मी, और हमारे कंपनी को उसका कैंपेन भी मिल गया। तो उसकी खुशी में जब मैंने मिस्टर साजन से हाथ मिलाया तो दिस हैपेंड। और इस सपट चिपकन को बनाने वालों का ये दावा है कि इससे अगर एक बार कोई चीज चिपक जाती है ना तो वो सालों तक नहीं छूटती। क्या चिपकते तो नवाब साहब थे? आ, 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 अरे यार कश्मीरा, हाथ दब गया यार मेरा। तो मैं क्या करूं, ये तो हाथ चिपकाने से पहले सोचना चाहिए था ना। अरे यार, तो मैडम का हाथ भी दब रहा है ना। तो उन्हें प्रॉब्लम होगी तो वो कह देंगी, तुम चुप करो। तुम उस तरफ सो जाओ ना। क्यों, तुम्हें मैडम के साथ चिपक के सोना है क्या? जान करके हाथ चिपकाया था ना तुमने। यार अभी तो कम से कम ऐसी बातें मत करो, बिल्कुल बगल में सो रही है मैडम, उन्होंने सुन लिया तो उनको बुरा लगेगा ना। इट्स ओके मिसेस साजन, आई अंडरस्टैंड कश्मीरा, मैं रिएक्ट ही करूंगी, आई जस्ट ट्राइंग टू स्लीप। देखा? क्या देखा यार? अरे यार कम से कम हाथ ऊपर उठा लेने दो, दबे दबे सुबह तक सुन हो जाएगा यार, खून रुका हुआ है। क्यों, मैं इतनी भारी हूँ? अरे हाथ के लिए तो भारी हो ना यार। कश्मीरा, ये तो हो ही सकता है, इफ यू डोंट माइंड। तुम कह रही हो तो उठा लो। थैंक यू। क्या उठा लो, तुमको उठना पड़ेगा ना यार हाथ उठाने के लिए, कोई धागे जितना पतला हाथ है कि पीछे से निकाल ले ऐसे ही, उठो ना। आ जाओ। अब सही है। ड्रिंक बना दूं, केबरे डांस कर लो थोड़ा। मत करो ना ऐसी बातें यार, तमीज से बात करो, सो जाओ चुपचाप। संजना तो चुप रहे, मैं तुझे बहुत पसंद करती हूँ, अगर तू आज मेरी नजरों से गिर गई तो अच्छा नहीं होगा। नहीं दादी, ये मैडम ने कुछ नहीं किया है। तो किसने किया है? लालवानी ने एक प्रोडक्ट बनाया था, ये उसकी वजह से हुआ है। तो लालवानी की मौत की खबर कल तो आकाशवाणी में सुन लेना। नहीं दादी, इतने वायलेंट होने की कोई जरूरत नहीं है, ये थोड़ी देर में हाथ छूट जाएगा। अगर कल तक ये हाथ नहीं छूटेगा ना तो मैं तेरा हाथ काट दूंगी, समझा? समझ गया दादी, कल तक छूट जाएगा। ये संजना सो गई क्या? बेहोश हो गई है।
तुझे सोना है या डरा के बेहोश करूं? Don't fool me. Hello. दुनिया के सबसे मुलायम और स्पंजी तकिए को मेरा सलाम. शुक्र है आपने तकिया कहा. नवाब साहब तो सिर्फ तकलिया कहा करते थे. चलिए आपको हम में कुछ तो खूबी नजर आई. खूबियां तो बहुत है आप में. बस कुछ साल पहले मिले होते तो ये छुप छुप के चिपकना ना पड़ता. मोहतरमा आप तो साक्षात देवी हैं. कैसे भाई? आपने हमारे बिना जिक्र किए कैसे आपको ये पता लग गया कि मैंने ये फोन कॉल आपको चिपकने के सिलसिले में किया है? अरे मेरी शर्मो हया, कह दे रहे छेदी जी से कि कुछ बातें बोलने की नहीं होती. लेकिन ये बात कहना तो लाजमी है क्योंकि फोन के उस तरफ हमारी नाजनी है. मतलब आप सोच भी नहीं सकती कि इस वक्त मेरे हाथ में क्या है. मेरे हाथ में एक सपट चिपकन नाम की चीज है जिससे दो जिस्म एक जान हो जाते हैं. ये तो वही चिपकन है ना जिससे मेरा दामाद आपकी बेटी से चिपका हुआ है. बाकायदा अब हमारी बारी है. मौका मिलते ही मैं आपसे चिपक जाऊंगा. थैंक्स टू सपट चिपकन. इंतजार रहेगा चिपकने का. ओह माय गॉड मिसेस साजिद, कश्मीरा इज सच अ स्वीट गर्ल. इसने मेरे कपड़े भी निकाल के रखे हुए हैं. Spread something nice. Sweet. Mr. Sajan, अगर आपको चाय पीकर हो गया हो तो तैयार हो जाएं. We'll get late for office. नहीं नहीं नहीं, आप टेंशन मत लीजिए. मैं तो 5 मिनट में रेडी हो जाऊंगा. लेकिन मुझे आधा घंटा लगता है मिस्टर साजन, और हम एक साथ तो तैयार नहीं हो सकते बिकॉज वी आर स्टक. हमारे हाथ जुड़े हुए हैं. एनी मेमोरी बेल्स रिंगिंग? बेल तो अब बचेगी मैडम. चलिए. यस यस. वेयर डू यू थिंक यू आर कमिंग विद मी मिस्टर साजन? स्टे देयर. हम एक साथ तैयार नहीं हो सकते. पहले मैं रेडी होंगी, उसके बाद आप रेडी हो जाइएगा और वो ड्रेस मुझे पकड़ा दीजिएगा. My dress, Mr. Sajan, the black one? Yes, yes, madam, yes. Mr. Sergeant, zip नहीं लग रही है मुझसे. Can you please help me? मैं आ रही हूँ. मैं लगा रही हूँ. मैं लगा रही हूँ. यार ये गलत बात है यार कश्मीरा, ये तुमने जानबूझ के किया है ना? Madam, madam, madam.